नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल PIB सब मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। पहली न्यूज, इलेक्शन कमीशन कट्स नोटिस पीरियड फॉर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, COVID-19 का पैंडेमिक लगा था, COVID-19 के पैंडेमिक के चलते बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और नाना प्रकार की चीज़ों के ऊपर रोक सी लग गई। तो यहाँ पे कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो सही समय पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ट्यूसडे को ये बोला कि भाई, पब्लिक नोटिस पीरियड नई पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि पहले 30 दिन था, उसको कम करके 7 दिन किया जा रहा है। अभी आप ये बोलोगे कि पब्लिक नोटिस पीरियड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करना है और इलेक्शन में लड़ना है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिया का होता है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना चाहता है तो सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट 1951 के अंदर कर सकता है। ठीक है भाई, इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। इलेक्शन कमीशन को अपनी पावर्स कहाँ से मिलती हैं? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती हैं। साथ साथ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी लिखा हुआ है कि कुछ सेट कंडीशंस के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी से बोला जाता है कि आप दो अलग अलग दिन, दो नेशनल न्यूज़पेपर्स में और दो लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में ये छपवाएंगे कि आप ये पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी का ये नाम है, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। होता है ना कि जब कोई नई चीज़ बनती है उसका उसका पब्लिक डिक्लेरेशन होता है कि भाई ये नई चीज़ बन रही है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो भाई एप्लीकेंट्स को बोला जाता है कि किसी भी दो दिन नेशनल न्यूज़पेपर्स में और डेली न्यूज़पेपर्स में आप ये छपवाओगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बनने के अंदर कि हाँ, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। ओके भाई, अभी के लिए ये जो दो नए दिन फिक्स किए गए हैं, ये फिक्स किए गए हैं 19 मार्च को और 7 अप्रैल को। आपको पता ही होगा कि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं फॉर द स्टेट ऑफ आसाम, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो यहाँ पे जो भी नई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ना चाहती हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन पीरियड को 30 दिन से कम करके 7 दिन कर दिया गया ताकि ये लोग भी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर सकें इलेक्शन में। ठीक है भाई, इलेक्शंस कब होने हैं? 26 फरवरी 2021 को। ये लोग जब अपना नाम पेपर में रिलीज करेंगे कि भाई हम ये पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर रहे हैं, तो किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है इस पॉलिटिकल पार्टी को फ्लोट करने के ऊपर किसी भी टर्म्स में, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना ऑब्जेक्शन व्यक्त कर सकता है। अगर उसका ऑब्जेक्शन पोटेंट लगा, सही लगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर नहीं करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कुछ फीचर्स में न्यूज़ आपको काम आ सकती है। वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक नहीं दबाया तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, आपके जनरल डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए। नेक्स्ट, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्लान फ्रॉड विद डेंजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्लान है जिसको बोला जाता है साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम। एक्चुअली में इस साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक आइडिया निकाला है कि 500 पर्संस को ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ये 500 पर्संस अनलॉफुल कंटेंट को फ्लैग करेंगे। इंडिया का जो साइबर क्राइम इकोसिस्टम है उसमें जो भी चीज़ें गलत तरीके से सर्कुलेट हो रही हैं उनको फ्लैग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 500 लोगों को दी जाएगी, और जैसे ही ये लोग इस कंटेंट को अनलॉफुल फ्लैग करेंगे वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पहुंच जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगा कि भाई ये जो फ्लैगिंग हुई है ये सही हुई है या गलत हुई है। इन 500 पर्सन में से 200% साइबर अवेयरनेस प्रमोटर्स होंगे, 50 साइबर एक्सपर्ट्स होंगे, ऐसा बोला सरकार ने। किसमें? आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑफ MHA's बजट 2020-21-22। अब एक चीज़ तो आपके सामने यहाँ पे आया, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स, जिसमें आपको पता चला कि 500 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कि इस बात को देखेंगे कि गलत साइबर कंटेंट तो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, और साइबर अवेयरनेस प्रोमोटर्स के अंदर कौन कौन काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे, ये बात डिसाइड की गई आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। अब सवाल उठता है कि आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क क्या है? इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया है नीति आयोग ने, अनाउंस किया गया था 2019-20 के बजट में। क्यों? ताकि उन गवर्नमेंट स्कीम्स को
इवेलुएट किया जा सके, डिफाइन किया जा सके, जिनमें खर्चा 500 करोड़ से कम का हो रहा है। तो वो स्कीम जिसमें 500 करोड़ से कम का खर्चा हो रहा है, वो स्कीम कैसे काम कर रही है, इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है आउटकम आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क के थ्रू। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम से? प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जो कि एक डिजिटल लिबर्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में इस इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने बोला है कि इस प्रकार से जो आप साइबर क्राइम वॉलंटियर वाला प्रोग्राम चला रहे हो, जिसमें साइबर कंटेंट को फ्लैग किया जा सकता है, ये सर्वेलेंस के नेचर को लेके आएगा, कॉन्स्टेंट सस्पिशन लेके आएगा, एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहाँ पे सोशल डिस्ट्रेस होगा। कोई भी चीज़ अगर साइबर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही होगी, तो उस सर्कुलेशन को अनलॉफुल फ्लैग करके उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो भी डिजिटल एजेंसीज है सरकार की सेट है, इसका ध्यान आ सकता है। और हो सकता है कि वो चीज़ें उतनी गलत हो भी ना हो, बट चूंकि इन 500 साइबर क्राइम वॉलेंटियर्स ने उनको फ्लैग किया है, तो सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाएगा और हो सकता है किसी के खिलाफ कुछ अत्याचार हो जाए। तो इस प्रकार की बात बोल रहा है कौन? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने MHA को बोला है कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ मत करिए, ठीक है ना भाई, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग मिसगाइडेड पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक और बात पॉइंट आउट की है कि मान लीजिए किसी साइबर क्राइम वॉलंटियर ने किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को अनलॉफुल कर दिया फ्लैग, तो अनलॉफुल फ्लैग करने के बाद अगर वो कंटेंट मान लीजिए अनलॉफुल नहीं है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन को विड्रॉ कैसे दिया जाएगा, इसका भी यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कुल मिला के ये जो साइबर क्राइम वॉलंटियर स्कीम है, इससे आप कंटेंट को गलत तो मार्क कर सकते हो, बट अगर वो गलत नहीं है तो वो गलती हटाना और जिस पर्सन के कंटेंट को अनलॉफुल बोला गया है उसके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए जाएंगे उनको विड्रॉ करने के क्या प्रोविजंस हैं, ये कहीं पे भी क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं। इसलिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का बोलना है कि ये साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भाई, ये जो नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम का पार्ट है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको जनवरी 2020 में लॉन्च किया था। ये जो कंटेंट है बेसिकली जिसकी फ्लैगिंग होगी इन 500 साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स के द्वारा, उस फ्लैगिंग की जो कंप्लेन होगी ना, वो पता है कहाँ जाएगी? वो जाएगी इस नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट के पास। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, वो बस एक छोटा सा पार्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में बहुत से यूनिट्स आते हैं, जैसे TAU थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, फिर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। तो इस प्रकार के बहुत सारे यूनिट्स आते हैं। एक यूनिट है ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, जो कि देखेगा इन कंप्लेंट्स को जो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स यहाँ पे रेस करेंगे। कंप्लेंट्स कौन से बेसिस पे रेस की जा सकती है, लॉफुल और अनलॉफुल कंटेंट कौन से बेसिस पे उठाया जा सकता है? तो ऐसा कंटेंट जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, इंडिया के डिफेंस के अगेंस्ट हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के अगेंस्ट हो, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता हो, कम्युनल हार्मी को डिस्टर्ब कर सकता हो, चाइल्ड सेक्स अब्यूज को प्रमोट कर सकता हो, इस प्रकार का स्टेटमेंट, ठीक है भाई। हालांकि ये जो वॉलेंटियर्स चूज किए जा रहे हैं, कौन से वॉलेंटियर्स? साइबर क्राइम वॉलेंटियर्स। ये किसी भी प्रकार से कोई पब्लिक स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं पब्लिश कर सकते, ये किसी भी प्रकार से अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, किसी सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री का नाम नहीं ले सकते। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है पावर्स अंडर पार्ट 3 ऑफ IT 2021। एक्चुअली जो IT कोड आया है ना रिसेंटली, डिजिटल मीडिया कोड OTT रेगुलेशन, जिसको मैंने अपने करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स में डिस्कस किया, उसकी बात हो रही है। तो भाई इस IT कोड के अंदर जो पार्ट 3 है, ठीक है ना भाई, उस पार्ट 3 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स के चलते डिजिटल न्यूज करंट अफेयर्स के पब्लिशर्स को रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है, सारे यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को चिट्ठी लिखी है कि भाई देखिए, पार्ट 3 जो है आपका IT कोड का, उसके अंदर जो भी नियम कानून लिखे हुए हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने की, उनके ऊपर एक्शन लेने की ताकत
केवल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ना ही पुलिस कमिश्नर्स को, ना ही राज्य की सरकार को यह ताकत है कि वो पार्ट थ्री ऑफ OTT रूल्स के अंदर कुछ करें, IT कोड के अंदर कुछ करें। तो पार्ट थ्री ऑफ ये जो रिसेंट IT कोड निकल के आया है, डिजिटल मीडिया कोड, उसके अंदर अगर कोई एक्शन लेना है, कोई नियम कानून निकालना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है, तो वो केवल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ले सकती है, ना राज्य की सरकार ले सकती है, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, ना पुलिस कमिश्नर्स ले सकते हैं। ये बात साफ साफ बोल दी गई है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स आया है, इसमें एज बेस्ड क्लासिफिकेशन किया है, डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स क्या पब्लिश कर सकते हैं, OTT कंटेंट का रेगुलेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी गई है। पहले के करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप चाहते हो कि मैं इन कोड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करूं। इन कोड की सबसे खास बात क्या है कि एक 3-लेवल ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म है यहाँ पे। यानी पहला, अगर आपको किसी भी OTT, मान लीजिए नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोग्राम चल रहा है और आपको उसके कंटेंट से प्रॉब्लम है, तो आप नेटफ्लिक्स जो कि पब्लिशर है उसको कंप्लेन कर सकते हो कि आपके इस कंटेंट में ये प्रॉब्लम है, इसको हटाओ। तो पहले पब्लिशर अपने लेवल पे देखेगा। मान लीजिए पब्लिशर लेवल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के पास जा सकते हो जो कि लेवल 2 है। वहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स का ग्रुप होगा, तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्पॉट, जितने भी और पब्लिशर्स हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठा रखे होंगे। वहाँ पे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप चले जाओ ओवरसाइट मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये लेवल 3 है। यहाँ पे आप सीधे सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जाके बोल सकते हो कि भाई इस कंटेंट से हमको प्रॉब्लम है, फिर ये गवर्नमेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म देखेगा कि भाई कंटेंट सही है या गलत है। और यहाँ पे टाइम बाउंड ग्रीवेंस डिस्पोजल मैकेनिज्म है, तो किसी ने अगर कोई कंप्लेंट डाली है तो उस कंप्लेंट को एक निश्चित समय के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। फिर समय समय में ये जो पब्लिशर्स हैं, OTT पब्लिशर्स, ग्रीवेंस रिवर्सल में इन्होंने क्या क्या किया, इसकी इन्फॉर्मेशन को समय समय पर पब्लिक डोमेन में ये पब्लिशर्स रिलीज भी करेंगे। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी न्यूज़ आपको काम आएगी और जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी आपको न्यूज़ काम आने वाली है। आगे बात करते हैं, इंडिया एंड नॉर्वे एग्री टू कंडक्ट मरीन स्पैटियल प्लानिंग। देखिए, मरीन स्पैटियल प्लानिंग में ओशन में खासकर अगले 5 सालों के लिए इंडिया और नॉर्वे काम करने वाले हैं। पहली प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इन्होंने बोला कि एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के चलते ह्यूमन एक्टिविटी समुंदर में कैसे होगी एफिशिएंट तरीके से, सेफ तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, इसके बारे में बातचीत की गई। और कौन कौन से डोमेन में बातचीत की गई, तो ओशंस का प्रयोग एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशरीज के लिए, एक्वा कल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए कैसे कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई यहाँ पे। ये किसका पार्ट है? ये इंडियो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का पार्ट है, जो कि लाया गया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जो कि इंडिया और नॉर्वे की सरकार ने साइन किया था 2019 में। शुरुआत में 2 पायलट साइट्स इंडिया से कौन सी सेलेक्ट की गई थी इस मेमोरेंडम के अंदर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ठीक है भाई। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को मदद करेंगी ताकि सस्टेनेबल तरीके से ओशन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जा सके और उससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल डेवलपमेंट सबको प्रमोट किया जा सके। इस इनिशिएटिव को बोला जाता है मरीन स्पैटियल प्लानिंग इनिशिएटिव, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। और ओवरसाइट यहाँ पे कौन देगा? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। तो इस मरीन स्पैटियल प्लानिंग में नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च अपने इनसाइट्स देगा और ओवरसीइंग एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। इंडिया और नॉर्वे मैरीन स्पैटियल प्लानिंग में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंटरनेशनल फील्ड में सस्टेनेबली आगे बढ़ने के लिए और अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए, अगर आपको कोई पॉइंट कोट करना हो कि भारत सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप इसको कोट कर सकते हो। किसको? इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशंस इनिशिएटिव को, जो कि 2019 में लाया गया और उसके बाद रिसेंटली जो मरीन स्पैटियल प्लानिंग के ऊपर जो प्लानिंग की गई अगले 5 सालों के लिए, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, फिशरीज, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, सबका नाम लिख देना, नंबर मिलेंगे। इंडिया नॉर्वे रिलेशंस की अगर बात की जाए तो इंडिया नॉर्वे के रिलेशंस 1947 से काफ़ी अच्छे हैं, कॉर्डियल हैं, फ्रेंडली हैं। देखिए, लड़ाई की इंडिया और नॉर्वे में कोई गुंजाइश नहीं। नॉर्वे कहाँ है? यहाँ रहा, आपको नॉर्वे दिख रहा है, विक्टोरिया आर्कटिक ओशन के बगल में। इसके साथ बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री बनाती है? स्वीडन भी इसके साथ बाउंड्री बनाती है, फिनलैंड भी इसके साथ बाउंड्री बनाती है, छोटा सा हिस्सा रशिया भी यहाँ पे इसके साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो। तो नॉर्वे और इंडिया एक दूसरे से इतना दूर है, ओके, कि कहीं ना कहीं इनके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम ही, तो रिलेशन अच्छे ही होंगे। फिर दोनों कंट्रीज में भाई डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स पर ध्यान दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ पर ध्यान दिया जाता है। दोनों कंट्रीज रिसेंटली अपने ट्रेड और टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट्स को बढ़ा रही हैं। नॉर्वे ने इंडिया की मदद की है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम को पार्ट बनने में, वासेनार एग्रीमेंट का पार्ट बनने में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट बनने में।
नॉर्वे के साथ ऑलरेडी हमने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है 1986 में, जिसको फरवरी 2011 में रिवाइज भी किया गया। इंडिया के 3 आर्कटिक मिशंस अब तक नॉर्वे जा चुके हैं, 2007, 2008, 2009। इंडिया का जो पोलर रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है हिमाद्री, वो नॉर्वे में ही है। नॉर्वे में स्पिट्सबर्जन नाम का आइलैंड है, वहाँ पे एनवाई एलिजेंड में आपका इंडिया का पोलर रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, जिसका नाम है हिमाद्री, कहाँ पे है, नॉर्वे में। ठीक है भाई, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलेटरल रिलेशंस में एग्रीमेंट्स में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके काम में आ सकती है। अगली आज की लास्ट न्यूज़, द कैराकल, माय फेवरेट ऑफ रॉयल्स, नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए, कैराकल एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड लाइफ कैट है जो कि राजस्थान और गुजरात के इलाकों में पाई जाती है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अब इस कैराकल को लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज में जोड़ दिया है। बात यह है कि अगर आप इस कैराकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके कंजर्वेशन के लिए अब ज़्यादा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, इंडिया में इस पर्टिकुलर एनिमल को ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बताया जा रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है, बाकी देशों में जहाँ पे भी कैराकल एग्जिस्ट करता है, ये ठीक ठाक नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप बात करें तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल और साउथ एशिया में कैराकल काफ़ी फैले हुए हैं। अफ्रीका में कैराकल फ्लॉरिश कर रहे हैं, बट एशिया में कैराकल का जो नंबर्स है वो डिक्लाइन हो रहा है। कैराकल एक नॉकचर्नल एनिमल है। नॉकचर्नल मतलब कि ये रात में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं, और नॉर्मल कर इंडिया में इनको आसानी से आप देख नहीं सकते। तो अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पेशीज़ हैं इंडिया में, वो 22 वाइल्ड लाइफ स्पेशीज़ को इंक्लूड करते हैं। और ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये जो कैराकल है ना, ये वेस्ट लैंड के इकालों में काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ पे खासकर ये भी बात है कि जो वेस्ट लैंड है हमारे कंट्रीज़ के, इन वेस्ट लैंड्स में बहुत सारे एनिमल और बर्ड स्पेशीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि लियोपर्ड्स, एशियाटिक वाइल्ड कैट्स, रस्ट स्पॉटेड कैट्स, स्लॉथ बियर्स, वोल्स, वाइल्ड डॉग्स, सिविट्स। यहाँ पे वेस्ट लैंड की बात क्यों हो रही है? चूँकि वैसे तो वेस्ट लैंड का नाम ही वेस्ट लैंड है, मतलब वो बिल्कुल बेकार है, बट वो बेकार नहीं है, क्योंकि वेस्ट लैंड भाई बहुत सारे एनिमल और बर्ड स्पेशीज को प्रमोट करते हैं। अगर वेस्ट लैंड ना हो तो इन एनिमल और बर्ड स्पेशीज को सस्टेन करना भारत सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। इंडिया का अगर टोटल इलाका बात की जाए तो 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 90 मिलियन हेक्टेयर को वेस्ट लैंड बताया गया है। वेस्ट लैंड को नॉन प्रोडक्टिव लैंड कहा जाता है, बट इसको पूरी तरीके से नॉन प्रोडक्टिव बोलना सही नहीं है, क्योंकि हमारी 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ आबादी का लगभग 40% इस वेस्ट लैंड के ऊपर डिपेंड करता है अपने लाइवलीहुड के लिए। वैसे तो वेस्ट लैंड बारन और अनकल्टिवेटेड लैंड है, अनप्रोडक्टिव है, बट इसको जैसे तैसे करके प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया ही जा रहा है। वेस्ट लैंड्स में डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ओवरग्रेस्ड पैस्चर्स, ड्रॉट स्टक पैस्चर्स, इरोडेड वैलीज, हिली स्लोप्स, वाटर लॉक्ड मार्शी लैंड्स, बैरन लैंड, इस प्रकार का लैंड आते हैं। हमारे देश में वेस्टलैंड कहाँ पे कितना है, इसके लिए एक वेस्टलैंड एटलस बनाया गया, जिससे पता चल जाता है कि हमारे देश के किस भाग में कितना वेस्टलैंड है। ठीक है भाई, इस वेस्टलैंड एटलस की लिस्ट को प्रपोर करता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके साथ कोलैबोरेशन में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कैराकल। ओके भाई, कैराकल को इसका नाम क्यों दिया गया? कैराकल नाम का इसका नाम आता है तुर्किश कैराकुलक से, मतलब ब्लैक ईयर्स। इंडिया में इसको सिया घोष भी कहा जाता है, सिया घोष एक पर्शियन नाम है जिसको आप ब्लैक ईयर भी बोलते हो। ठीक है भाई, तो ये थी न्यूज़ दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी आपके लिए सारे करंट अफेयर्स करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डिटेल में ही बताने की कोशिश करता हूँ, मिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आपको सही समय पे दिन में मिल भी जाए। बहुत शाम तक वीडियो मिलती है तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मन भी नहीं करता, इसलिए 1:30 से 2 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपने इंप्रूवमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हो।